आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप का 41वां मैच न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें इस मुकाबले के लिए बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के मैदान पर उतरेंगी। गेंदबाजों के लिए कब्रगाह कहे जाने वाले इस मैदान पर खूब चौके और छक्के लगते हैं। ऐसे में न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच ये मुकाबला काफी रोमांचक होने की उम्मीद है। ऐसा इसलिए भी है कि न्यूजीलैंड को श्रीलंका के खिलाफ हर हाल में जीत हासिल करनी होगी। सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए कीवी टीम का ये मैच करो या मरो हो गया है। वही श्रीलंका टीम की कोशिश होगी कि वो अपने आखिरी लीग मैच में जीत के साथ वर्ल्ड कप के अभियान को खत्म करे। श्रीलंका सेमीफाइनल की रेस से बाहर है। ऐसे में आइए जानते हैं कि न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच होने वाले इस मैच के लिए कैसी होगी एम चिन्नास्वामी की पिच। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी की पिच को बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग माना जाता है। छोटा मैदान होने के कारण हार्ड हिटर बल्लेबाज खूब चौके और छक्के लगाते हैं। ऐसे में संभावना यही रहती है कि हाई स्कोरिंग मुकाबला होगा। इस मैदान पर खेले गए पिछले 10 मैचों की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का औसत स्कोर 304 रन रहा है। इस मैदान पर 350 रन के स्कोर को भी आसानी से चेज किया जा सकता है। फ्लैट पिच होने के कारण गेंद बल्ले पर आसानी से आती है। ऐसे में अगर कोई टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनती है तो वो चाहेगी कि कम से कम 350 से अधिक का स्कोर खड़ा करे। सिर्फ पहली पारी ही नहीं, लक्ष्य का पीछा करते हुए भी यहाँ खूब रन बनते हैं। इस मैदान के आंकड़े की बात करें तो दूसरी पारी में बैटिंग करने वाली टीम को 60% मैचों में जीत मिली है। ऐसे में साफ है कि टॉस जीतने के बाद कप्तान की पहली पसंद गेंदबाजी रहेगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने अपना पिछला मैच भी चिन्नास्वामी के पिच पर ही खेला था। पाकिस्तान के खिलाफ ये मुकाबला हालांकि बारिश के कारण प्रभावित रहा और डीएलएस मेथड से उसे हार का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड ने 401 रन बनाए थे। इसमें रचिन रविंद्र ने 108 और केन विलियमसन ने 95 रनों की पारी खेली थी। वहीं जब दूसरी पारी में पाकिस्तान की टीम बैटिंग के लिए आई तो फकर जमा ने गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और सिर्फ 63 गेंदों में शतक ठोक दिया। बेंगलुरु के मौसम की बात की जाए तो न्यूजीलैंड के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। 9 नवंबर को बेंगलुरु के आसमान में बादल छाए रहने की उम्मीद है। मैच के दौरान बारिश की भी संभावना है। दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहने की उम्मीद है जबकि न्यूनतम 20 डिग्री रहेगी। पाकिस्तान के खिलाफ भी बारिश के कारण न्यूजीलैंड को नुकसान झेलना पड़ा था। ऐसे में एक बार फिर से कीवी टीम पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं।